नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में दो फिल्मों के बारे में बात करेंगे। एक चुप जो कि आर बालके की फिल्म है, काफी ज्यादा अच्छा कलेक्शन कर रही है और बॉक्स ऑफिस पर हिट होने की ओर अग्रसर है। दोस्तों इस फिल्म में अमित जी का क्या रोल है इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी न्यूज है PS1 के बारे में, जो कि मणिरत्नम सर की फिल्म है, काफी बड़े बजट की फिल्म है, 30 सितंबर को रिलीज हो रही है। अपने एडवांस बुकिंग से इसने देश भर में तहलका मचा रखा, विशेषकर साउथ में फिल्म की एडवांस बुकिंग काफी जबरदस्त मिल रही है। तो दोस्तों पहली न्यूज तो ये है कि जो चुप फिल्म है, जो कि आर बालके डायरेक्टर, और आप जानते हैं आर बालके की प्रत्येक फिल्म में महानायक अमित जी का कुछ न कुछ रोल अवश्य होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का अटैचमेंट हो लेकिन रहता जरूर है। तो इस फिल्म में अमित जी ने पहली बार, इतने वर्षों में पहली बार एक म्यूजिक कंपोज किया है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म के क्लाइमेक्स में जो मोई सॉन्ग आता है उसको अमित जी ने कंपोज किया। अमित जी ने खुद अपने फेसबुक अकाउंट पर इस बात की जानकारी दी है और उन्होंने अपनी तस्वीर भी शेयर की है और उन्होंने कहा है कि लव सॉन्ग है और मैंने इसको काफी इंजॉय किया है और इसके इस धुन को बनाने के लिए, इसके म्यूजिक को कंपोज करने के लिए मैंने कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया है, उनको बजाया है, खुद उनको मतलब बजाया है। तो अमित जी का एक नया रूप है, नया अवतार है, पहली बार म्यूजिक कंपोजर बने हैं, तो काफी लोग पसंद कर रहे हैं उनके इस धुन को। तो ये एक अमित जी का एक अलग अंदाज चुप फिल्म में देखने को मिलने वाला है और चुप फिल्म काफी अच्छी है, क्रिटिक्स ने काफी पसंद किया है, अच्छे इसके कलेक्शन सारे हैं। वहीं दोस्तों बात करें PS1 की, तो PS1 का जो हिंदी जो वर्जन है उसमें उसको नरेट करते हुए आपको अजय देवगन दिखाई देंगे, मतलब अजय देवगन की आवाज में फिल्म को नरेट किया गया है। आप जानते हैं कि मणिरत्नम सर ने खुद बताया, ये जानकारी खुद उन्होंने दी है कि अजय देवगन ने उनकी फिल्म को नरेट किया है हिंदी वर्जन के लिए। अजय देवगन तथा मणिरत्नम सर इससे पहले भी 2004 में आई फिल्म युवा में साथ काम कर चुकी है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी, जिसमें अजय देवगन थे, अभिषेक बच्चन थे, विवेक ओबेरॉय थे, काफी बेहतरीन मूवी थी। तो अजय देवगन ने इस फिल्म को नरेट किया, ये भी एक मणिरत्नम सर ने खुलासा किया है कि किस प्रकार से इस फिल्म के साथ अजय देवगन भी जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।